तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे शायद मेरे ऊपर बहुत एक काफ़ी सालों से मैं स्टार्स के साथ काम करता रहा था, स्टार्स इन द सेंस जो कि स्टार्स का बैगेज हाँ हाँ लेके जो सर, बोल स्टार्स दो होते बोल दो, अभी जो है सच्चाई बोल दो अभी। मिन द सेंस सर ने बोला स्टार का, काफी मेरी तरह देखा, कहते हैं स्टार इन द सेंस। हाँ हाँ बोलो सर, बोलो जो दिल में बोलो। नहीं, देखो एक ही स्टार था, वो तो सुनील, और तो अरे कोई था सर ही नहीं, अभी नहीं राधिका, अभी बाकी राधिका हम सब तो सानिया। अभी भी सब जगह जहाँ जहाँ होता है कि अरे इस प्रोग्राम में इवेंट में प्रमोट करने जा रहा है, सुनील तो है नहीं तो लेट करो, सुनील कब वापस आ रहे हैं 28 को, पर हम हमारा लेट हो जाएगा, नहीं सुनील के बिना हम नहीं कर सकते, तो सारी मार्केटिंग टीम या अभी है या अरे मैं बैठा घर पे ही था, मैं कह देता हूँ अरे इनऑर्डर लेट हो गया, उससे क्या थोड़ा इम्प्रेशन मुझे तो सुनील पड़ता के है। बिना कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है। तो ये मुझे जो लिब्रेशन हुआ, आई फील सो लिब्रेटेड आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म, और ये फिल्म हमने 30 दिन में पूरी की है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा, और ये लगा कि पूरी क्यों हो गई और कब पूरी हो गई ये भी पता नहीं चला, क्योंकि वी ऑल मिस ईच अदर। पहले इस फिल्म का, इसके टाइटल को लेके एक बड़ी, शायद आप लोग पूछेंगे भी, बट पहले इसका नाम कुछ और था, तो वो मैंने छुरिया नाम था इसका, पर हर कोई उसको ये बोलता था, कोई बोलता था चोरियां हैं, कोई बोलता था छुरियां हैं, मेरे अकाउंटेंट मेरे पास आता था रोज साइन कराने के लिए, चूड़ियां में से पैसे निकालने। सो मैं इतना इरिटेट हो गया था कि मुझे इस फिल्म का टाइटल बदलना है, और मुझे लगा जब मुझे पटाखा टाइटल सूझा तो राधिका के अलावा सबको पसंद आया फिर सर ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो पटाखा ही होगा। था। तो बहुत बहुत मुझे लगता है टाइटल, उसके बाद फिर गुलदार साहब ने, जब मैंने गुलदार साहब से बाउंस किया तो हम लोग दिल्ली में थे और रात को हम लोग डिनर पे बात करे, तो मैंने कहा, मैंने सोचा, मैंने एक्चुअली सोचा था पटाखे, तो गुलदार साहब ने मुझे थोड़ी देर बाद बोला कि इसका नाम पटाखा रखो और ये मुखड़ा देखो कैसा है, दाएँ पटाखा बाएँ पटाखा बाजे धाएँ 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 पटाखा। उन्होंने बोला बस प्रॉब्लम एक ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान में पटाखा बोलेंगे, यहाँ सब पटाखा बोलेंगे फटाखा बोलेंगे, सो पंजाब क्योंकि में तो फड़ाका कहेंगे, फड़ाका। हाँ तो इसका जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ पाकिस्तान में होगा। तो मैंने कहा वो भी अच्छा, वो भी हमारी फिल्म का ही थीम है, पाकिस्तान और हिंदू, हमारी दोनों बहनें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बहनों की तरह हैं, तो वही लड़ती रहती हैं ऑन स्क्रीन भी और बॉर्डर पे भी। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा थीम रहेगा, वहाँ पटाखा बोलेंगे, यहाँ हम सिखाएंगे कि पटाखा बोलते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं दोनों पटाखों को यहाँ बुलाता हूँ, जिनसे कि मुझे इतनी एनर्जी मिली है सेट के ऊपर, एंड मैंने बहुत सालों बाद फिल्म मेकिंग को एंजॉय किया है, और ये जो पहली राधिका दो एंड सानिया। लड़कियां हैं जिन्होंने वेट गेन किया है इस फिल्म के लिए, खाया है, वरना लड़कियां हीरोइन जो होती हैं वो वेट लूज करती हैं। अभी लूज कर लिया है बेटा। अच्छा देखो फर्क पता नहीं चला। अरे अपना चल रहा, देखा, टोल्ड यू आई एम द मेन गर्ल ऑफ द फिल्म। मेरे लिए बड़की से इनकी पहली मूवी है, तो इनसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सेकंड फिल्म विशाल जी के साथ है, और आई एम वेरी तुम्हारी भी वेरी दूसरी फिल्म है अभी तक, तुम्हारा भी कुछ ऐसा नहीं है। बट है तो ना दूसरी है। बहनों के वाली, बहनों के साथ वाली, तुम रहने दो कोई बात लेकिन पहली नहीं, फिल्म में 10 फिल्मों के प्लीज बराबर थोड़ा थी, है पीछे ये कहना चाहिए। खड़े क्या बोले, नहीं आप अच्छा बोलिए। मैं बोल दूँ। मैं जब इन्होंने भी अपना बताया कि जब सर का कॉल आया, तो मेरी मैनेजर का भी मुझे कॉल आया था, और तब मैं एक और फिल्म का शूटिंग कर रही थी दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि विशाल जी एक फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में फिल्म तो बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हें ना उसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ टेस्ट तो करना चाहते हैं, मतलब कर देंगे, अभी मिले ना मिले कोई बात नहीं, विशाल जी के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा। पर मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि सर आप मुझे फिल्म में ले लोगे, मुझे ये था कि अभी मतलब वाई वाई मी, मतलब पहले सर के दिमाग में भी नहीं था टेस्ट से पहले, वो तुम्हारा टेस्ट देखने के बाद उनके दिमाग में आया। नहीं। और जब मैंने वो 3 सीन मैंने पढ़े, और मैं पढ़ के बहुत खुश हुई, क्योंकि छुटकी, आई थिंक मैं बाहर से तो ऐसी हूँ पर अंदर से मैं बिल्कुल छुटकी हूँ, और ऐसी लड़ाइयाँ कुतिया खुजली वाली मैं हमेशा से करना चाहती थी, तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और रही बात बड़की की, वो बस आ गई। मैं आपको अपना, तुम्हारी तरह नहीं, हमारे पास सेट पे स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी, हमें मेहनत करना होता था, ऑडिशंस देने होते थे। मैंने भी दिया है ओ प्लीज। सो मेरे 3 राउंड हुए हैं ऑडिशंस के,
भाई तीन राउंड लगे सोचो तीन राउंड पहले दो में मैंने पार कर लिया काफी लोगों को पिछाड़ के एंड देन थर्ड राउंड में मुझे विशाल सर मिले एंड मुझे भी ऐसा लगा था मुझे क्यों लेंगे करीना कपूर है बट थैंक यू सर एक न्यू कमर में अपना बिलीव दिखाने के लिए एंड आई लव्ड द जर्नी एंड इतना कुछ सीखा है मैंने एंड कितना कुछ सिखाया है मैंने सान्या को गुरूर नहीं है बिल्कुल भी बोल ले बेटा बोल ले पर बीड़ी पीना किसने सिखाया ये बताओ बीड़ी पीना मैंने थैंक यू गाइस इन्होंने बिल्कुल नहीं सिखाया है हमने खुद सीखा ये आते खुद ही यानी कि मैंने नहीं कहा कि मैंने सिखाया अच्छा विशाल सर क्या पहली बार क्या बोला था राधिका ने तुम्हें ओह हाँ मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहूँगी तो मैं पहली बार राधिका से मिल रही थी और और मैं जब पहली बार लोगों से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा सेमी सेमी डरी डरी सी होती हूँ तो मैं वैसी थी राधिका के साथ और राधिका एकदम ऐसी की हाय कैसी हो ऐसी मिली मुझे और मिलती विद इन 10 मिनट्स शी वाज लाइक मैं तो तुझे खा जाऊंगी और मेरे दिमाग में ये था कि हे भगवान ये मुझे क्यों खाएगी मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उसने ऐसा कुछ बोला पर फिर मुझे ये बहुत उसके साथ काम करके पता चला कि ये बात ही ऐसे करती है और मतलब Thanks. ऐसी ही है मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर ही यही सब आता रहता है एंड सान्या ने भी मुझे सेकेंड हाफ से पहले बोला था मजाक में बोला था मैंने तो बड़ा सीरियसली स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था तुझे ओ प्लीज सेकेंड हाफ से पहले सान्या ने मुझे धमकाया कमरे में बुला के आगे से कभी ऐसा मत बोल अंजी नहीं उसने बोला तू तो गई बेटे सेकेंड हाफ तो मेरा है झूठी तूने बोला और मैं बेचारी वेट गेन की हुई भाग भी नहीं पाई वहां से ये अभी भी देखिए कैरेक्टर में अभी भी लड़ रही है दोनों ने अभी हैंगओवर उतरा नहीं है पिक्चर की शूटिंग का क्या बताएं लेकिन आप आपका है अच्छा बाल नोचने में कितना मजा आया एक दूसरे का सबको बताना चाहेंगे आप क्या ही बताऊं एक जो सीन था जो जब आप गोबर फाइट कर रही थी एक्चुअली जब हम ओह हां और एक माउंट आबू में तो जो चमाट मारी थी आपने तो वो भी वो किस सच में दिल से मारी थी या लग गई थी या क्या आपको चमाट मैं बताती हूं क्या तो हमारी फिल्म में एक बेली फाइट हुई जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाटे मारे जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा ठीक है और पहली फाइट स्टार्ट हुई राधिका जी ने मुझे लात मारना स्टार्ट किया एक बारी पड़ी दो बारी पड़ी तीन बारी पड़ी और मेरे यहाँ पे मुझे स्पैज़म हुआ तो मैंने राधिका को साइड ले जाके पूछा तू लात मारने वाली है या चाटे मारने वाली है तो उसने बोला कि मैं जो भी आएगा मुझे करेंगे अब सेकंड फाइट स्टार्ट हुई अब मैं ये मैं बताऊंगी ठीक है मैं ऑलरेडी गिल्ट में थी कि मैंने लाते मार दी उसको मैंने फर्स्ट फाइट में खा भी लिया था उसका बदला इसने ले लिया था तभी सेकंड फाइट हुई तो मैं ऑलरेडी काफी कॉन्शियस थी एंड मुझे नहीं करना था तो मैं स्टार्ट होती है तो फाइट स्टार्ट होती है मुझे टर्न करती है मुझे थप्पड़ लगा दिया खिंचा के तो मुझे लगा क्या ही कर लेगी कितना ही कर लेगी तो मैं जाती हूँ स्टार्ट होता है मैं पलटती हूँ खिंचा के इसने मेरे को एक लगाया खिंचा के और पूरा सेट साइलेंट पूरा से और मैं खुद से मुझे आगे करना था मुझे आगे मारना था और मैं सिर्फ शांति और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हुआ था सेकंड फाइट से पहले मैंने से पूछा था कि तू चाटे मारने वाली है क्योंकि मैं तो एक्टिंग करूंगी तो बोला चाटे तो मैं जरूर मारूंगी तो ये मेरे दिमाग में रह गया कि ये चाटे जरूर मारने वाली है तो इससे पहले मैं कहूं मैं पहले मार देती हूं तो जी हाँ और ये वो पोस्टर है सेकंड फाइट से पहले का और ये जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ नहीं है ये असली गोबर ये असली गोबर है तो जिसका अलग ही सुकून था शूट करते समय क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें बहुत ठंड लग रही थी और जब तक हम गोबर में पहुंचे हम दोनों बहुत खुश थे तो हमें लग रहा था हाय हाय गरम गरम गोबर बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं तेरा मुंह डालूंगी गोबर में अब तू मेरा मुंह डाल अब हो रहा था कि मेरा मुंह डाल दे यार मेरा मुंह डाल दे प्लीज यार और ये बरसात नहीं है ये गोमूत्र है आप प्लीज कट मत करना हम लोग मारेंगे एक दूसरे को तो आप कट मत करना कभी डर के मारे कट कर दो हाँ। हम एक दूसरे को मारेंगे डिसाइड नहीं होता कि मैं मारूंगी इसे सोचा था बोला था एक दूसरे को मारेंगे मैं मारूंगी और राधिका चुपचाप खड़ी रहेगी और सेट पूरा चुप होगा कि अब क्या होगा पर बहुत मजा आया जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन था राधिका पे
वो खा जाए वाली बात पे मैंने सारी फाइट। और जब आप फिल्म के सेकंड हाफ के लिए जब आप तैयार हुई, ऐसा बड़ा कम रेयर होता है कि मैं कोई भी लड़की सिर्फ खाती है सेट पे, मैंने ये देखा जब भी शॉट नहीं है तो वो सिर्फ खा रही है। इन दोनों का काम था सिर्फ खाना, विशाल सर ने इस वजह से एक महीना ब्रेक लिया कि ये सिर्फ खाएंगी और वजन बढ़ाएंगी, तो वो अनुभूति कैसी थी आप लोगों की? एक्चुअली लोग डरते थे कि हमें यूजुअली होता है कि यू नो आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड यू नो आई नीड टू वर्क आउट एंड दिस एंड दैट, बट ये पहला सेट था जहाँ पर लोग टेंशन में आ जाते थे कि एक किलो पतला हो गई है, एक किलो पतली हो गई, इसको क्या करे, शिट क्या करे, क्या करे, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ। ये पहला सेट था जहाँ पर ऐसा होता था, और हमें भी लगता था हाँ यार, हमें टेंशन होती थी कि हम कैसे लूज कर रहे हैं यार, क्यों इतना खा रहे हैं हम, हाँ आज मैं पतली लग रही हूँ ना, नहीं यार मोटी लग रही है। बट बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है दंगल से पहले मैं काफ़ी अनहेल्दी थी, मैं रोज़ पिज्ज़ा खाती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी। वो दंगल के बाद मुझे ऐसा फिटनेस का चढ़ा चस्का, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। बट मेरा, मैं हर दिन अगर मैं कुछ भी फॉलो कर रही होती थी डाइट, मैं हमेशा चीट करती थी। पर मुझे लगता है ये पटाखा के इस बार अपने डाइट पे बिल्कुल चीट नहीं किया, क्योंकि मैंने एक महीना बहुत खाया और जम के खाया, और कितना मज़ा, मतलब सेट पर 6 पैनकेक आ रहे हैं, अब फ्रेंच फ्राइज आएंगे, अब सैंडविच आएगा, अब हम थोड़ा शेक वेक पी लेते हैं, बहुत बहुत मज़ेदार। डर लगता था लोगों को अपनी प्लेट प्लेट बजाना कि कुर्सी में यदि ना खानी शुरू कर दें। सिर्फ 6 रसगुल्ले आए हैं डिजर्ट के लिए, 6 में मेरा क्या होगा। और फिर क्योंकि फिल्म की स्टोरी की डिमांड थी कि हम लोग फिल्म में 5 साल बाद कट करते हैं, तो उसमें दिखाना था कि ये इन लोगों का 5 साल बाद इनकी क्या हालत हुई है ससुराल में और पतियों के साथ जिनके साथ ये भागी थी, तो अब इनके पतियों को जरा बुला के पूछना चाहिए। पर विशाल सर एक सवाल उससे पहले, आप देखिए आप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, आप लिखते भी हैं, आपने कहानी भी, डायलॉग्स भी लिखे हैं, म्यूजिक भी देते हैं आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक्टिंग कब कर रहे हैं सर आप अभी? बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, इन लोगों ने एक शॉट करवाया जबरदस्ती मुझसे, जो होगा सर जो है, बहुत सर ने बहुत, आप सब देखेंगे विशाल सर का डेब्यू इन पटाखा। मेरा बहुत बुरी हालत थी मेरी, तो मुझसे जबरदस्ती इन लोगों ने लास्ट शॉट एक कराया, बहुत अच्छा। और सर ने उस चक्कर में एक सीक्वेंस ऐसा बना दिया कि सब लोगों के मुंह पे रंग लगे हुए हैं, कहते रंग लगा के आए क्योंकि मैं कम से कम देखूं, लेकिन आप दिखे और बड़े अच्छे दिखे सर। हाँ तो आप इनके क्या बता रहे? मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, मैं एक्चुअली कैमरे के पीछे आई एम ए डिफरेंट पर्सन, कैमरे के सामने आती है मेरा कुछ दूसरा हो जाता है, जो मुझे आप लोगों से सीखना, मैं नहीं सीख पाया कभी वो चीज़। क्या बात पर कैमरे के पीछे मैं, मुझे आता है कैमरे के पीछे आता है। चलो सर थैंक गॉड आप एक्टिंग नहीं करते, नहीं तो डिपर का कैरेक्टर आप ही कर रहे होते, तो मैं क्या कर रहा होता। तो माय इंग्लिश टीचर फ्रॉम इंडियन आर्मी विष्णु एंड मेरी नाच उतारने वाला और नमित दास जग्गू जी, अभिषेक दोहान and Namit Das played Vishnu and Jagat. Of course. Yeah, family photograph. Sunil, कुछ पूछना है पतियों से? Hello. Come close. कैसा लगा पति बन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए, मैं मतलब अभी भी ये मेरा ख्वाब है जो मैं जी रहा हूँ अभी, जो मैंने बहुत छोटा था मैं स्कूल में, मुझे आज भी याद है एक 6th स्टैंडर्ड में टीचर्स आपस में पूछते हैं कि मतलब खाली पीरियड था तो सबसे क्या बनना है, तो मैं हरियाणा से हूँ तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, तो अचानक से मैं खड़ा, मैं कहा जी एक्टर बनना है, मैंने कहा था पापा बनना है। तो मुझे लगता है कि आप कॉमेडी में पापा बन गए सबके। अरे यू नो आई एम एक्टिंग इन विशाल भारद्वाज फिल्म, नो थिंग्स आर चेंज्ड नाउ, या इट्स अ विशाल भारद्वाज फिल्म, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या टू लुक चेंजेस एंड ऑल आई हैव,
and yellow teeth and all. Yeah, this is prosthetics, you see. Prosthetics. Yeah, great, Sunil. Always. So, yeah. So, उस दिन के बाद स्कूल में सब बच्चे जो हैं मतलब हीरो हीरो कहके बुलाने लगे और उस दिन से लेके आज तक मैंने इस लम्हे का इंतजार किया है जो मैंने अभी ने बाहर बोला. मैंने कहा सर आपने मेरा सपना सच कर दिया. मैं जब भी थिएटर में जाता था और ख़ास तौर पे जब मैं विशाल सर की या और कोई भी एक अच्छा सिनेमा जब देखता था तो घर पे जाके रात को वो सिनेमा मेरे दिमाग में चलता था और स्पेशली इनका. तो लंगड़ा त्यागी से लेके और कबीने तक के सारे किरदार मैंने अपने मन में जिए हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ. मेरा नाम अभिषेक दुहन है और मैं हरियाणा से हूँ. आप सब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. अरे अरे कैन आई चेक योर आईडी? थैंक यू विशाल जी फॉर टेकिंग मी इन दिस फिल्म. एंड दिस फिल्म एक्चुअली मैं नमित का बहुत बड़ा फैन हूँ. नमित का मैंने जब परफॉर्मेंस देखा हैमलेट द क्लाउन प्रिंस आई मीन आउटस्टैंडिंग एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर. थैंक यू. और ये चंदन दास जी के बेटे हैं. चंदन दास जी के हम इतने बड़े फैन रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर और सिंगर दोनों हैं. थैंक यू जी. क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माई मॉम एंड मामा जी. सो इट्स रियली और ये एसोसिएशन जो है एक्चुअली कुछ एक साल पहले शुरू हुआ था जब हम लोग बर्कली में थे और हम लोग एक नाटक पे काम कर रहे थे जो मीरा नायर जी ने डायरेक्ट किया और उसके म्यूज़िक विशाल जी दे रहे थे. तो उस टाइम पे रिहर्सल के बीचों बीच मैं देखता रहता था स्टेज से कि विशाल जी कुछ लिख रहे हैं और मैं ऑडियंस में गया और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप तो ही सर कि नहीं मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म लिख रहा हूँ. नमित मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ रोल बन रहा है तुम्हारे लिए कुछ ऐसा. तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मैं नेक्स्ट ईयर या जब भी ये फिल्म बनेगी तो मैं एक विशाल भारद्वाज फिल्म का हिस्सा बन पाऊँगा. आई थिंक वो इंडिकेशन मुझे आ गया था. बट उसके लिए मुझे ऑडिशन करना पड़ा. You do a Vishal Bhardwaj film. We both are doing a Vishal Bhardwaj film. Then obviously the audition call came and it was supposed to be shot in December. But lekin wo sab us time pe as destiny obviously you know plays its own sweet game. It didn't play out that time. But this shot now, I'm part of this film. I'm part of this lovely cast: Sunil Grover ji, Radhika, Sanya, Abhishek, and Vijay Raj ji, who's not here. Sanand Verma also a very important character. And it's really an important film for all of us. And inshallah, y'all like it. Please like it. Please like it. No, they will. It's a Vishal Bhardwaj film. No? It's a Vishal Bhardwaj film. I think that should be a tagline from today. It is a Vishal Bhardwaj film. You know, in association with Vishal Bhardwaj film. A film by Vishal Bhardwaj. सर आपने अपना नाम यहाँ लिखा है. अब आपको घर जाएंगे तो कैसे करें? रेखा मैम का आपने नाम यहाँ लिखा हुआ है तो आप कैसे मैनेज करेंगे सर? ये अब आप कैसे मैनेज करेंगे? आपने तो पटाखा के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है पोस्टर डिजाइन में. रेखा मैम का बेचारी का देखिए यहाँ पे आपने तभी तो यहाँ पटाखा फाइनेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री आपने यहाँ नाम लिखा हुआ है सर. उन्होंने आप ये तो फिर तो सर घर पे जाके क्या होगा सर आपके पटाखा? ये डीपर का काम है लोगों के बीच में आग लगाना. ये फिल्म के कैरेक्टर में है अभी. हाँ. ये फिल्म में दोनों मैं भी जस्टिफाई कर रहे हैं अभी. तो ये वार्निंग है कि आप लोग ये चेतावनी है आप लोग इसके चक्कर में मत फंसिएगा. तो प्रोड्यूसर का नाम तो ऊपर चाहिए था. एक्चुअली नाम तो नारद मुनि होना चाहिए था फिल्म में. तो अब इस फिल्म में गाना है ना सर? हाँ एक अब गाना दिखाने वाले हैं पर उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू कॉल टू लेडीज जिनके बिना मेरी फिल्म कभी पूरी नहीं होती है. सुनिधि चौहान एंड रेखा. इनकी जोड़ी हिट है एक्चुअली रेखा और सुनिधि की. इन लोगों ने बहुत गाने गाए हैं मेरे लिए पहले और ये फिल्म का पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया था. क्या वर्ड्स भूल गए ना? अभी सुनाएंगे. टाइम हो गया बट वी विल जस्ट सिंग एंड या तो ये गाना फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड था कि रेखा और सुनिधि इसको गाने वाले हैं और दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं.
तो हम लोग सुनील कुछ गाना सीधा गाना नहीं गवाना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए इनसे पहले। हम बता ये वर्ड थे शॉपिंग लिस्ट डिसाइड कर रहे हैं दो लड़कियां भी हैं, मेरे को लग रहा है अरे वी वेंट देयर ना देयर सेल गोइंग ऑन यू डोंट नो नो आई वेंट देयर ये शो आपको लग रहा है काम चल रहा है नहीं देखा मैम जब भी शूट पे आते थे ना आप ऐसे उलझे होते थे है देखा मैंने पीछे आइसक्रीम बहुत अच्छा है सुनील तुमने खाया आज भिंडी क्या है डिड यू ईट प्रोड्यूसर हाँ मैंने पहली बार इतनी रिलैक्स प्रोड्यूसर देखी है जो सर काम कर रहे हैं मैम को मैं यहाँ रजाइयों की दुकान है बड़ी सी राजस्थानी रजाइयाँ मिल रही है माउंट आबू में मैम को रजाइयाँ लेनी थी सर बेचारे सुबह अच्छा 7 बजे का शिफ्ट है 6 बजे वहाँ पे गार्डन है होटल में बड़ा खूबसूरत जहाँ पे हम रुके थे बहुत खूबसूरत गार्डन था सर वहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं सुबह 6 बजे सर ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है आपको मैम देती है इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ क्योंकि So he tries to inspire me. So ma'am, कैसा लगा आपको विशाल भारद्वाज जी की फिल्म में गाना गाकर? बहुत बहुत अच्छा लगा. You are also doing a विशाल भारद्वाज film. Yes. I'm also a producer this time. Oh, sorry ma'am. Upgraded. I'm sorry, मेरा last check अभी बाकी है. Yes, issue is there, Vicky is there. Please contact them. Issue जी check अब producer है यही sign करवा लो दे दे. नहीं नहीं अभी हमारी एक प्रोड्यूसर और है जिनको हमें बुलाना बाकी है उनसे चेक की बात करते हैं एक कपूर जी प्लीज जॉइन अस नो नो मैं अच्छे के लिए मुस्कुराया हेलो सर साक्षी दिस साइड आई थिंक साहित्य तो एक्चुअली क्या है एक जनरल धारणा ये जो एक सामान्य धारणा ये जनरल एक वो होता है सोच के साहित्य जो बोरिंग होता है वो एक बहुत गलत वो है आई थिंक किसी भी काम में वो हर एक और बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच है किसी भी डायरेक्टर का या आर्टिस्ट का कि वो अपने काम में डेप्थ कितनी लाना चाहता है तो मुझे लगता है कि साहित्य में लिटरेचर में जो वो डेप्थ मिलती है वो कभी पॉपुलर उसमें जॉनर में या पॉपुलर कहानी में बड़ा मुश्किल होता है मिलना तो हमेशा मैं आई ट्राई टू लुक फॉर दैट कि वो साहित्य वो मेरा जो भी काम हो वो उसमें एक लिटरेरी अगर चीज़ मैं उसमें ला सकूं तो वही मेरे लिए मेरी कोशिश वही है तो हर एक की अपनी खोज होती है तो मुझे लगता है साहित्य और हमें अपना हिंदी साहित्य अभी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है हमारे लिए सर साक्षी फ्रॉम बॉलीवुड नाउ सर 1 महीने पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहेंगे तो उस पर कुछ बात फाइनलाइज हुई है हाँ प्रियंका के साथ तो प्रियंका भी मेरे साथ काम करना चाह रही है और हम लोग एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर वी विल बी डूइंग अ फिल्म टुगेदर फिलहाल तो शादी के कपड़े सिलवा रहे होंगे सर आप सानिया एंड राधिका सानिया एंड राधिका हाउ इज इट फॉर बोथ यू गर्ल्स लाइक ऑन द सेट्स लाइक वी सॉ सच ह्यूज फाइट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू सो हाउ डिड यू ऑल प्रिपेयर फॉर इट एंड व्हाट हैपेंड ऑन द सेट्स एनीथिंग हमारे वर्कशॉप्स हुए शूट पे जाने से पहले और आई थिंक वो मुझे तो काफ़ी हेल्प करा क्योंकि चुटकी बनने के लिए मैं कहीं पे भी नहीं थी चुटकी के करीब और वर्कशॉप्स में हम लोगों ने बड़े सारे सीन्स करे बहुत इम्प्रोवाइजेशंस करे और उस बीच में राधिका और मैं अभी तो हम बहुत लड़ रहे हैं सेट पर ये सॉरी स्टेज पर बट आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी हैप्पी कि मैं मुझे ये मिली एज अ को-स्टार और बहुत ही अच्छी एक्टर है और उससे भी अच्छी मेरी दोस्त है और ये वर्कशॉप्स में हम लोगों ने करा वरना मैं पहली 2 मीटिंग्स में मुझे लगा नहीं था कि मैं इसकी दोस्त बन पाऊँगी पर वर्कशॉप्स में फाइट्स करके और ये सब करके हमारे वर्कशॉप्स में जितना हमने करा वो हमें काफ़ी हेल्प करा तो सेट पे जाते जाते हम दोनों रेडी थे मैं तो चुटकी थी अपने दिल में और ऊपर से नॉट ओनली दैट हमारे कॉस्ट्यूम्स और हमारा मेकअप वो जैसे ही वो कॉस्ट्यूम डलता था और मेकअप होता था तो वो अंदर से मतलब मैं तो सानिया बिल्कुल फील नहीं कर पाती थी तो मैं चुटकी बन जाती थी करेक्ट द सेम थिंग वाज विद मी जैसे वी नेवर स्मोक्ड इन आवर लाइव्स एंड यहाँ पे बीड़ी पीनी थी एंड गालियाँ मैं कभी देती नहीं हूँ तो गालियाँ देनी थी तो वो सब ऑफ कोर्स वो राधिका थी एंड वर्कशॉप्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया सच में But there are hardly any galiyas in the film. Huh. They feel like मतलब जब वो zone भी मतलब to get into the zone also.
So it was a very different zone for me, but workshops actually helped us. जो सेट था, जो माहौल था, जो सेट पे भी माहौल बनाया था विशाल सर ने, कि जहाँ पर तुम्हें वो वैसे ही ट्रीट कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता था, तुम्हें ऐसे नहीं ट्रीट करते थे कि अरे तुम एक एक्टर हो जो यहाँ से आए हो, यू वर द कैरेक्टर. और वो सेट का माहौल, विशाल सर जिस जोन में हमें रखते थे, मेकअप हेयर ऑफ कोर्स व्हाट शी सेड, इट रियली हेल्प्ड अस टू गेट इनटू द कैरेक्टर. एंड ऑफ कोर्स मतलब व्हेन यू आर such good friends off screen, it is difficult to play, you know, such a thing on screen, but I think we both were in the characters and that really helped us, because at that time we were Badke and Chutke and we were not Sanya and Radhika. So that is one thing we always kept in our mind. And Sanya and Radhika, how who helped you in getting the hang of the dialect? Actually hum kafi bar readings pe baithte the sir ke sath and Charan Singh ji ke sath. सर एंड चरण सिंह जी दोनों होते थे एंड वो एक एक लाइन हमारी बैठ के हमें बोलते थे कि यू नो ऐसा डायलेक्ट होना चाहिए, ये गलत बोल रहे हो, इस पर हरियाणवी टच आ रहा है, वो हरियाणवी भी निकालनी थी. सो काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो माइन्यूट चीज़ें देखी हर एक लाइन में, उसका रिजल्ट आपको शायद. हम प्रेप करने के लिए गए भी थे जहाँ छुटके और बड़की रहते थे, उनके घर गए थे जहाँ से चरण सिंह जी हैं, और वहाँ रॉसी जयपुर से ये लोग बड़की छुटकी के साथ रहे भी हैं. हाँ. जो रियल बड़की छुटकी हैं उनके साथ इन्होंने तो गोबर के ऊपर लिखा पे बात करते हैं जैसे हम लोग फिल्म में कर रहे हैं. गुजर हैं वो लोग. हाँ. हाँ. तो वही भाषा हम लोगों ने बोली है तो उनको देख के भी बहुत फर्क पड़ा. और बस वही. और हरियाणवी पहले दंगल में बोल रखी थी और ये थोड़ा है सिमिलर है हरियाणवी से तो वैसे. एंड इट्स अ विशाल भारद्वाज फिल्म सुनील, सो हाउ मच टैंट्रम डिड यू थ्रो? मत ही पूछो. इट्स अ विशाल भारद्वाज फिल्म, सो हाउ मच टैंट्रम डिड यू थ्रो? नाटक किन्ने कितने तुसी? सारी पिक्चर ही नाटक है जी. मैं आई फील वेरी लकी. मैं बहुत खुशनसीब हूँ. मेरा हमेशा से ड्रीम था सर के साथ काम करने का और इस फिल्म. हाँ, कितना भोला हूँ ना मैं. तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है और मेरे टैंट्रम तो अब मैं तो देखो कोई कह नहीं सकता कि मैंने कोई टेंट्रम किया. तो इट्स अ लाइ. तो या नहीं, टेंट्रम के एक एक क्रिएटिव प्रोसेस था. बहुत खूबसूरत जर्नी थी. मुझे पर्सनली मैं ऐसा फील किया कि ये लग नहीं रहा था कि हम लोग जैसे शूटिंग चल रही है या हम लोग फिल्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. एक एक हंसी खुशी का माहौल था और स्क्रिप्ट में फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड सब लॉक्ड था. सब पता था हम लोग क्या करने वाले हैं और सीन्स पे सर के साथ डिस्कशन करके हम लोग तुरंत शूटिंग करते थे और बहुत अच्छा गति वाला प्रोसेस था. तो बहुत मज़ा आया और शूटिंग लगा ही नहीं कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं. वो कैरेक्टर मैं तो जीने लगा था, अभी भी उतरा नहीं है मेरे दिमाग से, अभी भी चल रहा है थोड़ी. तो बहुत बहुत और जैसा सर ने कहा कि कई आपने पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि स्टार्स ज़्यादा नहीं है तो अगली फिल्म में जब हम लोग स्टार बन जाएंगे तब आपको फिर एक्सपीरियंस. बट यस, ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मजा आया. बट यू नो एडिंग टू स्लाइटली टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर, वन मिनट, आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू सुनील व्हाट सुनील भाई सेड. द एटमॉस्फियर ऑन द सेट एंड आई हैव टू से कि जब भी कॉल शीट आती थी कि अगले दिन क्या शूट होने वाला है, आई यूज टू फील कि ये कैसे कैसे अचीव होगा. एंड वॉट वी हैव अचीव्ड इन 29-30 days, it's impossible. It's really impossible. That's because I think script जो पहले, जैसे रमित मैंने कहा कि शुरू से लेके आखिर तक एक एक शब्द पता था क्या क्या हो रहा है script में. इतनी अच्छे से workout script जहाँ पे improvisations होती थी पर कुछ जरूरत लगती नहीं थी कि ऐसा नहीं होता था कि करें कुछ इसके अंदर. तो yeah. And but, immaculate planning on Vishal ji's end and his team and the whole, and everyone actually who's immense here. Planning. Yeah. Really. And very good actors also, you know, it went very fast. I didn't want to say that, but theek hai. And Ranjanda, our great Ranjanda is sitting there. वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ट्वीट भी करा. मैं उनको जाके दिखा कर आई थी तो वो काफी खुश हुए और वो कह रहे थे ये ट्रेलर मुझे ये फिल्म देखनी है. और उन्होंने कहा और उन्होंने कहा मारी चोरियां चोरों से कम में गए. सुनील हियर. विशाल जी तो वैसे भी आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन आजकल सलमान और कैटरीना भी आपके दीवाने हो चुके हैं.
कुछ आपको बड़ी जेलसी हो रही है कटरीना के नाम से? नहीं बहुत 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 मजा आ रहा है सर, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत मजा आया, वो चल रही है अभी तो शूटिंग, शुरुआत हुई है फिल्म की, तो एक अलग अनुभव है, विदेश में था पर यू नो इट्स पासपोर्ट्स एंड वीजा एंड एवरीथिंग बोर्डिंग पासेस. सो दैट्स अ सलमान खान फिल्म? हां इट्स अ सलमान खान, दैट्स अ सलमान खान फिल्म ऑफ कोर्स, अली अब्बास जफर फिल्म. बट आज हम पटाखा की बात कर रहे हैं तो फुलझड़ियां हैं, अनार बम है, पटाखे हैं, बम है, वो एक अलग अनुभव है. उसको अरसा है, अभी समय है उसको अभी रिलीज होने के लिए, पर अभी ये रिलीज हो रही है और दिल में पट 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 पटाखे फूट रहे हैं हमारे. विशाल जी, द गांधी जयंती वीकेंड हैज ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द रिलीजेस दैट यू हैव हैड इन द पास्ट. डज दैट गिव यू कॉन्फिडेंस दिस टाइम अराउंड एज वेल, बिकॉज देयर इज अ क्लैश विद सुई धागा व्हिच हैज बिगर स्टार्स इन इट, सो हाउ डू यू लुक एट इट? या हैदर के टाइम में भी बैंग बैंग हमारे सामने थी, तो आई डोंट थिंक कि उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस को अगर दोनों फिल्में देखनी है तो वो दोनों फिल्में देख लेते हैं. और दूसरा ये कि 2 अक्टूबर मेरे लिए काफ़ी बहुत लकी रही है, उसके बाद तलवार भी 2nd उसमें आई है, और मेरा मन था कि ये फिल्म भी अगर 2 अक्टूबर में आए, और छुट्टी भी है वीक में बीच में, तो बहुत बड़ा वीकेंड हो जाता है. हालांकि मेरे सुपरस्टिशन में मैं नहीं हूँ सुपरस्टिशियस, पर इसमें जब ऐसे बन रहे थे कि 5 अक्टूबर को होनी है या 12 को होनी है, तो देन आई सेड देन व्हाई नॉट 2nd. और नोटों के ऊपर तो गांधी जी का ही फोटो होता है. लो विशाल सर, और मैंने एक गलती की, मैंने राजदीप का नाम बोला, एक्चुअली मैं अर्नब का नाम कहना चाहता था. सॉरी अर्नब, दोनों दोस्त ही हैं, मुझे अचानक याद आया. हेलो विशाल सर, इट रीचेस हिम, या स्ट्रेट राइट है. हाय विशाल सर, योर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर मकड़ी वाज आल्सो सेंटर्ड अराउंड 2 sisters who were sort of at loggerheads, and it also had a very similar setting. So was this like coming a full circle for you? And what is it about sibling relationships that sort of attracts you as a writer director? I think क्योंकि कहानी तो रिश्तों से बनती है, और जितना जितने रिश्ते आप explore कर सकें. अब मेरी मेरे भाई में और मेरे में बहुत डिफरेंस था एज का, तो उस तरीके से मेरी पिटाई इसलिए ज़्यादा होती थी बिकॉज मैं कुछ नहीं कर पाता था, मुझसे 8 साल बड़े थे. तो और मुझे ये मुझे रिश्ते एक्सप्लोर करने में मज़ा आता, उसी में से कहानियाँ निकलती. थैंक यू अभिषेक. हाय ओवर हियर, सुनील जस्ट सेड अबाउट सलमान खान एंड ही इज वर्किंग विद दिस फिल्म. आप भी एसोसिएटेड थे सलमान खान के साथ इन सुल्तान एंड नाउ दिस फिल्म, यू नो द काइंड ऑफ सिनेमा विच विशाल भारद्वाज मेक्स, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. इसके अंदर क्या कुछ नयापन आपको लगा व्हाइल यू वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? मुझे ऐसा पता नहीं, शायद मैं अपनी नज़र में सिनेमा को इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ. वो भी एक बहुत अच्छी कहानी थी, वो भी वहाँ पे भी हम लोग एक किरदार निभा रहे थे, और यहाँ पे भी उसी तरीके का है. बट यहाँ पे फ़र्क ये था कि बहुत ही अर्धी था, बहुत बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ, बहुत नाटकीय था. जैसा इन्होंने कहा ना कि सब कुछ एक नाटक की तरह था, तो बहुत नाटक की तरह हम लोगों ने काम किया. आई थिंक सारे हर एक, अभी थोड़ी देर पहले आपने गलती से कह दिया था, तो बड़े एक नाटक की तरह हम लोगों ने सभी ने, और इनफैक्ट हमारे पूरी टीम ने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से लेके मेकअप से लेके, तो इसलिए हम लोग शायद इतनी जल्दी इसको कर पाए, जो नमित कह रहा था कि 29 दिन या 30 दिन में कर पाए. तो ये एक फ़र्क था कि हमारी हर एक चीज़ शायद ज़्यादा. हेलो, मेरा बंद ही कर दिया तुमने माइक. सर आपको अभिषेक दोहान के साथ काम करने के में मजा आया या फिर मलाइका अरोड़ा के साथ डांस नंबर शूट करने में ज्यादा मजा? ऑफ कोर्स अभिषेक. हेलो, हाँ जी मलाइका, थैंक यू सर. ऑफ कोर्स सन्या, हाय टू योर लेफ्ट ओवर हियर, यू आर आल्सो डूइंग अ डांस फिल्म आफ्टर दिस, टेल अस समथिंग अबाउट दैट. अच्छा, मुझे तो पता नहीं, बट आई होप करूँ, मैं करना चाहती हूँ एक डांस फिल्म, तो होपफुली वेरी सून आई विल डू इट. हाय राधिका रवि, शायद आपको याद नहीं होगा कि ऑफ कोर्स एबीपी. या रोज बादाम खाती है हमारी राधिका. ओके, शर्मा गए भाई. मैं याद दिलाना चाह रहा था कि आपने जो पहला सीरियल किया था मेरी आशिकी, उसका आउटडोर शूट मैंने पहले किया था और मैं ओह हाउ क्यूट
ओह नाइस, ये सवाल नहीं है, लव स्टोरी. आपको क्यों याद नहीं होगा, उनको क्यों याद नहीं होगा, उन्होंने तो तुरंत बोला ना आपको याद नहीं होगा. आप नीचे क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपको याद नहीं होगा. नहीं ये सवाल नहीं है, मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं. ओह माय गॉड, दिस इज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन गाइस. हमें तो कभी याद नहीं दिलाया विशाल सर को भी कुछ याद नहीं. हां जी हां जी, बोलिए बोलिए राधिका. मैं जानना चाह रहा था कि अभी आप पहले आपने सीरियल से शुरुआत की, एक लॉजिकल स्टेप ऐड होता है कि आपका माइक आगे पीछे हो रहा है पता आपको, तो इसको स्थिर रखें आप. इससे पहले सवाल में माइक बिल्कुल ठीक था आपका, पता है आपको इस ऐसे ऐसे हो रहा. So you want to SMS the question? Because Sunil, मुझे लगता है आपसे अच्छी ट्रोलिंग कोई नहीं कर सकता किसी की भी. वैसे मेरी भी होती है. ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, लाइव हो, कहीं भी आप ट्रोल कर सकते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट है. ओह थैंक यू, मेरे को तो चुप करा दिया आपने कॉम्प्लीमेंट देके. अब माइक नहीं हिलेगा. राधिका, आपने सीरियल से शुरुआत की, एक लॉजिकल स्टेप होता है कि लोग फिल्मों में काम करें, तो क्या आप वापस सीरियल में काम करना चाहेंगी? और दूसरा सवाल ये कि हर हीरोइन जब बॉलीवुड में आती है तो बहुत कॉन्शियस होती है अपने लुक को, इसमें डी ग्लैम लुक है, तो कहीं आपके मन में एप्रिहेंशन था इस चीज को लेकर? जी दोनों का कनेक्टेड है आंसर. द थिंग इज कि जब मैं सीरियल भी कर रही थी उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो मेरे मन में यही था कि मुझे एक अच्छा कंटेंट करना है. कहीं पे भी मुझे मिला, वेब में मिले, मूवीज में मिले, सीरियल्स में मिले, कहीं पे भी मुझे एक ऐसी चीज़ करनी थी जो मुझे अंदर से मोटिवेट करे कि मैं रोज़ सेट पे आऊँ. इसी के लिए आप एक्टर भी बनते हो, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में. तो इसलिए जब ये स्क्रिप्ट मिली मुझे या मेरे को करने का मौका मिला, विशाल सर ने मुझे दिया है मौका, तो मैंने सोचा भी नहीं. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने बोला कि इट्स ब्रिलियंट, लाइक इट्स अमेजिंग. सो इसकी जो भी डिमांड्स थी उसको पूरा करने में मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई, क्योंकि दैट वॉज अ कैरेक्टर. मैं एट द एंड ऑफ द डे हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ. हीरोइन आप लोग बन जाते हो, आप ऐसे स्टार वाले से बन जाते हो, बट मैं इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है. और मैं अपने आप को एक्टर बोलूँगी, मैं अपने आप को हीरोइन कभी नहीं बोलूँगी. लेकिन हो तो तुम हीरोइन ना पिक्चर की, आप लोग बना दो, मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा काम करना है. Yeah, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Thank you, Nitin. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Shukriya. Thank you. Thank you. Thank you. And ladies and gentlemen, don't forget, it's a Vishal Bhardwaj film, yeah. मैं बोला राधिका और सब.